हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान कौचाली एंड आई एम फ्रॉम उद्योग गुरु ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है 10 फंडिंग ऑप्शन टू रेज स्टार्टअप कैपिटल फॉर योर बिजनेस। आपको अपने नए स्टार्टअप के लिए जो पैसा हमें अरेंज करना है उसके 10 अलग अलग तरीके, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है बूटस्ट्रैपिंग योर स्टार्टअप बिजनेस, जिसका मतलब है सेल्फ फंडिंग। यानी हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने सेविंग से, अपने फैमिली से, फ्रेंड से जो पैसा लेके बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं उसे कहा जाता है बूटस्ट्रैपिंग योर स्टार्टअप बिजनेस। सेकंड जो है वो है क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन। क्राउड फंडिंग का मतलब है कि आज की तारीख में जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग एक साथ में गैदर होते हैं और वो एंटरप्रेन्योर के डिटेल डिस्क्रिप्शन को सुनते हैं और किसी एक प्लेटफॉर्म पे उनको बुला के उनको अपने प्लान्स और अपने आइडियाज़ को शेयर करने बोलते हैं। अगर उनको वो आइडियाज़ पसंद आती हैं तो वो सारे मिलकर आपको क्राउड फंडिंग करते हैं। थर्ड वन इज़ गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पास में सरप्लस कैश रखते हैं और बहुत कीन इंटरेस्ट दिखाते हैं जो आने वाले स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए। वो एक ग्रुप में काम करते हैं और किसी भी चीज़ को कलेक्टिवली स्क्रीन करते हैं उस प्रपोजल को बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर उनको वो समझ में आया तो वो एंजल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन इज़ गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। This is where you make the big bets. Venture capital are professionally managed funds जो अपने funds को बहुत अच्छे तरीके से manage करते हैं, जो invest करते हैं companies के जहाँ पे बहुत बड़ा potential होता है और उनका जो investment होता है उनके returns में उनको equity की ज़रूरत होती है, यानि they charge equity against their investment. Fifth one, गेट फंडिंग फ्रॉम बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलेटर, यानी जो इंक्यूबेटर्स और एक्सेलेटर्स है उनसे फंडिंग को हासिल करना। ये दोनों भी सेम है, बट इंक्यूबेटर जो है वो लाइक अ पेरेंट टू अ चाइल्ड है जो उनके बिजनेस को नर्चर करता है, उनके बिजनेस को शेल्टर देता है, टूल्स देता है, ट्रेनिंग देता है, नेटवर्क देता है। और जो एक्सेलेटर होता है मोर और लेस दे आर द सेम थिंग, बट एन इंक्यूबेटर जो है वो हेल्प करता है, असिस्ट करता है, नर्चर करता है बिजनेस टू वर्क, वाइल एक्सेलेटर हेल्प्स टू रन और टेक अ जियांट लीप, यानी उसको बढ़ाने के लिए, जियांट लीप लेने के लिए वो कारगर साबित होता है। सिक्स वन, रेज फंड बाय विनिंग कॉन्टेस्ट। आज की तारीख में बहुत जगह पे बहुत सारे स्टार्टअप्स को लेके उनके आइडियाज़ को सुना जाता है और एक इन्वेस्टर फेटर्निटी उसको सुनती है और उस कंपटीशन में जिसके भी प्रोडक्ट को अच्छे से समझा सकेगा वो स्टार्टअप वाला तो ही विल गेट अ विनिंग प्राइज, मतलब उसके बिजनेस में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड दिस कंपटीशन कैन आल्सो गेट यू सम मीडिया कवरेज, जिससे आपको एक अच्छी पहचान भी मिलती है। सेवेंथ वन, रेज मनी थ्रू बैंक लोन। नॉर्मली जो बैंक है वो सबसे पहला प्लेस है एंटरप्रेन्योर को, जो जहाँ पर वो जाता है अपने फंडिंग को मांगने के लिए। बैंक हमेशा दो तरह के फंड देती है फाइनेंसेस फॉर बिजनेस, एक तो वर्किंग कैपिटल लोन देती है और जो दूसरा होता है वो होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोन देना। एंड डिपेंड करता है वो किस बेसिस पे देगी, जैसे कि अगर वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए तो दे आर हाइपोथेटिकली स्टॉक और डेटर लेके उसके ऊपर लोन देते हैं। और जो फंडिंग वाला जो हिसाब किताब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे उनको बिजनेस प्लान बताना पड़ता है, वैल्यूएशन डिटेल्स देनी पड़ती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है और जिस हिसाब से ही, और गारंटी भी होती है नो डाउट, जिस हिसाब से लोन सैंक्शन होता है। The eighth one is get business loan from microfinance providers or non-banking financial corporation, NBFCs जिन्हें कहा जाता है। See, what do you do when you can't qualify for a bank loan? अगर आपको bank loan के लिए qualify नहीं होता है तो आपके पास में और एक still option है microfinance, जो financial services उसको handle करती है, जो conventional banking service में नहीं आती है। It is increasingly becoming popular for those जिनके requirement आज लिमिटेड है, क्रेडिट रेटिंग्स उनकी फेवर्ड नहीं है बैंक में, तो वो NBFCs में अपने आप को अप्रोच करते हैं एंड दैट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज
जो NBFCs है वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट उतनी लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करनी पड़ती हैं। नाइन्थ वन इज़ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट ऑफर स्टार्टअप्स कैपिटल। गवर्नमेंट ने आज की तारीख में बहुत सारे स्टार्टअप फंड बनाए हैं। 10,000 करोड़ सेंक्शन हुआ था 2014-15 में, ठीक है। बड़े बड़े आइडियाज़ और इनोवेशंस प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं। प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा है, ठीक है, ये कॉर्पस ऑफ 20,000 करोड़ लेके उतरा हुआ है, जिसने आज तक 10 लाख SMEs को लोन दिया, स्मॉल मीडियम्स जो भी एंटरप्रेनर्स है उन लोगों को, ठीक है। आप मुद्रा कार्ड ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड मिलता है जिससे आप रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हैं, एक्सपेंसेस कर सकते हैं। शिशु किशोर एंड तरुण, ये 3 कैटेगरीज लोन अवेलेबल है वहाँ पे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। 10th वन, क्विक वेज टू रेज मनी फॉर योर बिजनेस। ये काफ़ी लोग नहीं करते हैं, माइट नॉट वर्क फॉर एवरी वन, स्टिल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ प्रोडक्ट प्रीसेल, यानी जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास में कैश फ्लो नहीं है, तो आप अपना माल बनने से पहले ही उसे बेच सकते हैं कस्टमर को लेके, बट कॉस्टिंग तभी थोड़ी डिफरेंट होगी, प्रॉफिट मार्जिन आपका काफ़ी कम होगा, ठीक है। जैसे कि आप याद होगा, एप्पल एंड सैमसंग ने प्री ऑर्डर ले लिए थे सेल होने से पहले, तो इस तरह से प्रोडक्ट प्री सेल होता है। सेलिंग असेट्स, आपके पास में अगर कुछ असेट्स है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं मार्केट में, और बाद में पैसा बनाने के बाद में अगेन यू कैन परचेस इट बैक। एंड क्रेडिट कार्ड, जो बिजनेस क्रेडिट कार्ड होते हैं जो फाइनेंस के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे आप कुछ आपको इंस्टेंटली एक्सपेंस करना है तो यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड और अपने डेट को आप बाद में पे ऑफ कर सकते हैं। सो ऐसे ये 10 तरीके हैं जिससे एक स्टार्टअप अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस को अरेंज कर सकता है। बहुत सारे और बहुत से रास्ते हैं जिससे अगर कोई स्टार्टअप एक अच्छे आइडियाज़ के साथ उतरता है और उसको फाइनेंस की डिफ़िकल्टी है, तो उसे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस हमेशा एक अच्छे आइडिया से चलता है, ना कि फाइनेंस से। अगर आपका आइडिया और आपका कंसेप्ट अच्छा है और प्रॉफिटेबल और रेवेन्यू जनरेटिंग वाला है, तो डेफिनेटली इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी लोग सामने से आएंगे, और आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो प्रॉपर रेडी होना चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरा पूरा प्रेजेंटेशन रेडी है एंड आई कैन एक्सप्लेन वेल, तो हमें जो जो मैंने आपको ये 10 ऑप्शंस बताए, आप वहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।